नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में। और अगर आप इस स्ट्रेटजी का प्रयोग बड़े ही अनुशासन से करते हैं तो मार्केट में आपको प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, शेयर मार्केट में चाहे कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, जब भी वो अप डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन में जाता है तो कभी भी डायरेक्टली नहीं जाता, वो एक फ्लक्चुएशन के साथ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर 22 फरवरी यानी कि आज के दिन तक आप देख सकते हैं ये स्टॉक टोटली अप डायरेक्शन में है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पर कई सारे जो है अप डाउन आए हैं। यहां पर देखिए फ्लक्चुएशन आए हैं, यहां पर ये थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद अप गया, उसके बाद फिर डाउन। तो अगर आप इन अप्स एंड डाउन को पहचान सकें तो निश्चित रूप से आप शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड ले पाएंगे। तो वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले यहां पर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो मूविंग एवरेज है, वो भी 200 डेज का। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो भी डीमेट अकाउंट यूज करते हैं, तो वहां पर यह ऑप्शन आता है जो आप यहां पर लगा सकते हैं, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर का कोई भी इशू नहीं रहता है। अब यहां पर आपको इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है, चाहे जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे आपके में निश्चित रूप से इंडिकेटर का ऑप्शन होगा। वहां पर आपको एक इंडिकेटर ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को चूज करना है। जैसे आप चूज करेंगे तो वहां पर आपको सेटिंग करने के लिए आएगा, लेकिन सेटिंग आपको प्री डिफाइंड वाली रहने देना है। और यहां पर आपको कलर देख लेना है, +DI ग्रीन कलर से है, -DI रेड कलर से, और ADX एवरेज जो है आपका ब्लू कलर से आएगा। उसके बाद जस्ट आपको यहां पर ओके कर देना है। जैसे ही आप यहां पर ओके करेंगे आपके यहां पर आप देखेंगे कि कुछ 3 कलर की आपको लाइंस दिख रही होंगी। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको बता देता हूं कि ये लाइन किस तरीके से आपको मदद करेंगी आपको ट्रेड लेने में। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर की लाइन है वो +DI थी, और जो रेड कलर की लाइन है वो है आपकी -DI। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीन और रेड कलर की जो लाइंस हैं, हो सकता है आपके जो सॉफ्टवेयर में उसमें दूसरे कलर की हों, तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि किस कलर की हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, ये जो दो लाइनें हैं ये आपको बताएंगी सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट, ठीक है, कि बाई कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। और जो ब्लू लाइन है वो आपको बताएगी कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं ब्लू लाइन का ही आपको बता दूं कि जब भी ब्लू लाइन 20 रुपये, जी देखिए यहाँ पर 20 रुपये में आपको ग्रीन दिख रहा होगा और 40 रुपये में आपको थोड़ा सा और रेड दिख रहा होगा। तो जब भी ये ब्लू लाइन 20 रुपये के ऊपर होगी, 20 पॉइंट्स के ऊपर होगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ट्रेंड शुरू हो गया है। अब ट्रेंड निगेटिव है कि पॉजिटिव है उसको नहीं पता, लेकिन ट्रेंड चालू हो गया है कोई भी ट्रेंड हो। और जैसे ही ये लाइन 40 के ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली हो जाता है कि मार्केट में बहुत ही तगड़ा वाला ट्रेंड है, एकदम ट्रेंड का कंफर्मेशन ही हो गया है कि ट्रेंड चालू है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो आपको ट्रेंड बताती है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद अब आपको ट्रेड कैसे पहचानना है, देखिए यहाँ पर जब भी जो ग्रीन लाइन है रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, यानी कि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर कर रही है, और देखिए कहाँ कर रही है, यहाँ पर कर रही है, और देखिए कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके होंगे बाइंग पॉइंट, माने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बाई करिए। यानी कि जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट करेगी तो आपको मिलेगा बाइंग पॉइंट। बाइंग पॉइंट मतलब आपको खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसी प्रकार से जब भी रेड लाइन ऊपर की तरफ कट करेगी, यहां पर देखिए कुछ पॉइंट अपन ढूंढते हैं, जब भी रेड लाइन ऊपर की तरफ कट करेगी, जैसे कि यहां आपको पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आपको और भी पॉइंट मिलेंगे। देखिए यहां भी एक पॉइंट मिल रहा है ना, थोड़ा सा ये हो गया। यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर भी एक पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग पॉइंट मिल रहा है।
तो यानी कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट करे तो आपको मिलता है बाइंग पॉइंट, और जब भी रेड लाइन ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ कट करे यानी कि रेड लाइन ऊपर की तरफ जाए और ग्रीन लाइन नीचे की तरफ जाए तो इसका मतलब होता है कि सेलिंग पॉइंट आपको वो मिल रहा है। अब देखिए इसको चार्ट के साथ कैसे यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ये वाला चीज़ नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है, ये नहीं पता आपको। अब यहाँ पर आपने देखा ADX लगाया और ADX में आप यहाँ आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है आपको खरीदिए, यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर की तरफ कट कर रही है यानी कि आपको यहाँ पर खरीद लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर नहीं खरीदना है, आपको वेट करना है जब तक कि ये जो ब्लू लाइन है ये 20 पॉइंट्स के ऊपर ना चली जाए। देखिए यहाँ पर ये 20 पॉइंट्स के ऊपर गई तो आपको कहीं यहाँ पर खरीदारी करनी है, क्योंकि देखिए ये जब भी ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी 20 के तो इसका मतलब कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि मार्केट में ट्रेंड चालू हो गया है। देखिए क्रॉस तो आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे लेकिन जब भी आपको क्रॉस का कंफर्मेशन नहीं मिलता है आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए ये जो मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, जब तक चार्ट है जो इसके ऊपर है तो इसका मतलब ये रहेगा कि मार्केट में बुलिश है यानी कि मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब मार्केट इसके नीचे चले जाए क्रॉस करके, देखो जैसे मैं आपको बताऊं ये मार्केट यहाँ पर जो है आजकल में ये नीचे चला गया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर और गिरावट आ सकती है। तो देखिए जैसे ही ये नीचे गया, ठीक है, ये पॉइंट, उसके बाद जो रेड लाइन है उसने ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ कट किया, ये वाला पॉइंट, और देखें ये 20 के ऊपर गया, तीनों ही चीज़ें मिली, उसके बाद मार्केट नीचे गया तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर मिल जाना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर कितना बढ़िया है, यहाँ पर आप देखें कि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट किया, यहाँ पर ये पॉइंट मिला, उसके बाद आपने देखा कि ये उसके ऊपर ही है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कन्फर्मेशन है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये लाइन भी आपकी 20 के ऊपर चली गई तो यहाँ पर भी कन्फर्मेशन है, यानी कि तीनों चीज़ें जहाँ पर कन्फर्म हो जाएँ वहाँ पर आपको तुरंत ही ट्रेड लेकर के पोजीशन बना लेनी है इंट्राडे में। और देखिए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखने के कई तरीके हैं, हर जो बंदा होता है वो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखता है तो वो आपको फॉलो करने हैं। और अनुशासन का मतलब ये है कि देखिए कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर उनको क्या हुआ कि थोड़ा सा क्रॉस मिला नहीं कि उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद वो जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर उन्हीं सिग्नल को फोकस करना है। आप देखें आप यहाँ पर आपको मिला कि आप यहाँ पर बेचिए, लेकिन ये लाइन सीधी नीचे ही चली जा रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज हो गया, आपको यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं मिला, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो निश्चित रूप से आप या तो फंस गए होते या थोड़ा बहुत लॉस किया होता आपने, या फिर आपकी जो पोजीशन है वो बिना प्रॉफिट लॉस के कट गई होगी और पूरा दिन आपका बेकार हो जाता। तो यहाँ पर रॉन्ग सिग्नल भी मिलते हैं, आप यहाँ पर देखें, देखो साफ साफ क्रॉस किया था या नहीं किया था, ग्रीन लाइन को रेड लाइन ने ऊपर की तरफ कट किया, यहाँ पर आपको बेचना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मार्केट में कोई भी मूवमेंट हुआ नहीं उतना ज़्यादा, जितना आप सोच रहे थे उतना हुआ नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये नीचे है और देखिए यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा वैसे कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो आपको जब तक तीनों ही चीज़ों में कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तीन चीज़ें मतलब तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें मिल गई तीसरी नहीं भी मिली तो मेजॉरिटी तो आई गई तो ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। हर जगह आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर तीनों ही चीज़ें मिली हुई नज़र आएंगी मैक्सिमम जगह, और जहाँ पर नहीं समझ में आया वहाँ पर ट्रेड ही नहीं लेना, सीधा सीधा बात है कि जहाँ पर नहीं समझ में आता है ट्रेड नहीं लेना है, कदम बात। देखिए ज़रूरी नहीं है आप अपना, देखो पैसा कमाना ठीक है कमा लो, लेकिन जाए नहीं जाना नहीं चाहिए, जाए कम और आए ज़्यादा तभी तो प्रॉफिट है ना। अगर आपका ज़्यादा जा रहा है और कम आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, या फिर जितना कमा रहे हो उतना आप खो दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, है ना।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है ना, बहुत बड़े बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर मैंने 10 जगह में बोलोगे तो 10 जगह यहाँ पर हर जगह बिल्कुल बढ़िया सिग्नल देता है ये। और मैं अपने ट्रेडिंग में पर्सनली इसको कई बार यूज़ करता हूँ, जब मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करना है, तो निश्चित रूप से मैं इस इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। और ये देखिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये ट्रेंड बताता है, ये जो लाइन है ये आपको ट्रेंड बताएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड, देखो एक और कंफ्यूजन होती है कि भाई ये लाइन अगर ऊपर रहेगी तो कौन सा ट्रेंड रहेगा, तो देखिए 20 के ऊपर गया ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है एक बाइंग सिग्नल मिला, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया तो यहाँ पर देखो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगर मान लो सेल सिग्नल मिला, कहीं भी सेल सिग्नल जैसे आपको मिल रहा है यहाँ पर, अगर मान लो आपने कहीं पर सेल सिग्नल देखा, जैसे आज के ही देखो यहाँ पर सेल सिग्नल आपको मिला, ठीक है, आपने यहाँ पर बेचा होगा, उसके बाद ये ऊपर चला गया, यानी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में भी जाएगा तो भी ऊपर जाएगा ये 20 के, अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो भी ये 20 के ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों ही केस में ये आपको ट्रेंड बताता है कि ये आप ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि अप ट्रेंड हुआ है कि लोअर ट्रेंड हुआ है, बस ट्रेंड बताता है कि मार्केट में ट्रेंड चालू हो गया है। आपको ट्रेंड अप है या डाउन है वो आपको पता करना है कि क्या क्रॉसओवर हुआ है, चार्ट में क्या दिख रहा है, वो सब आपको देख के पता करना है। ब्लू लाइन सिर्फ आपको ये बताती है कि मार्केट में कोई ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, अब कौन सा ट्रेंड हुआ है वो आपको देख के पता करना है। तो देखिए मैं जहां तक समझा पाया हूं, इस इंडिकेटर को आपने अच्छे से समझा होगा और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसलिए मैं आपको यहां पर बताने के लिए आया हूं। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।